जयपुर में जिला पुलिस बल की परीक्षा जो भर्ती थी, परीक्षार्थी परीक्षा परिणाम जारी नहीं आने से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। ऐसे में वक्त में उनके समर्थन में जनता कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी सामने आ गए हैं। उन्होंने गृहमंत्री ताप्रसाद साहू के ऊपर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है गृहमंत्री रिश्वत की उम्मीद में परीक्षार्थियों का जो परीक्षा परिणाम है उसे रोके रखा है। अमित जोगी ने कहा कि गृहमंत्री ने कैबिनेट में इस मामले को नहीं उठाया और कोई बातचीत भी नहीं हुई है। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी सरकार ने परिणाम रोक कर रखा है। हम परीक्षार्थियों की हक की लड़ाई लड़ेंगे, रोजगार हमारा अधिकार है और हम उसे लेकर ही रहेंगे। सामूहिक रूप से जाना चाहते हैं, अपनी बात गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी से करना चाहते हैं। इसके पहले भी ये एक बार नहीं, दो दो बार उनसे मिल चुके हैं।